याश तूफान का प्रभाव रांची में जोरदार देखने को मिल रहा है। वहीं तूफान के प्रभाव को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने गुरुवार को मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन के शुभारंभ का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। बता दें कि 18 साल से ऊपर के लोग इस मोबाइल वाहन के ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा वैक्सीन ले सकते थे, जिसकी शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता करने वाले थे। याश तूफान के मद्देनजर कई इलाकों में बने विशेष ट्रेनिंग सेंटरों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं तूफान के कारण जिले के सभी टेस्टिंग सेंटरों को गुरुवार को बंद रखने का फैसला लिया गया है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।